गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए आपको जो कल आज हमने जो टेस्ट दिया था 8 बजे शार्प 8 बजे का जो टाइम दिया था उसमें आप लोगों को टेस्ट भेज दिया था हमने, और 8 बजे से लेके आपको 40 क्वेश्चन का टेस्ट था, तो आपको 35 मिनट का समय दिया गया था 8 से लेके 8:35। ठीक है, उस बीच आपने, मैं मान के चलता हूँ, ईमानदारी से टेस्ट दिया और ईमानदारी से अपनी मार्किंग कर ली। अब उसी टेस्ट का हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत में एफएम के तो मैं करूंगा और बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स के तो मैं करूंगा और बाकी सर्वे के जो है वो सुरजीत सर आपको बाकी 2 लेक्चर्स में करके बबताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत के पहले 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे। आपको पीडीएफ भेज दिए मैंने और लिंक में भी नीचे डाल दिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो में पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है? म्यू बाई रो मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बटे में ये। और भैया इसकी इकाई जो होती है वो हमको पता भी है कितनी होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सीजीएस में इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कहते हैं, या फिर इसको स्टोक्स भी बोला जाता है, स्टोक्स भी बोला जाता है सीजीएस में। परंतु हमारे जो ऑप्शन है वो विमीय सूत्र के रूप में है, तो हम अगर बात करें तो मीटर की यूनिट क्या होती है L2, और टी की यूनिट क्या होगी भैया? टी की यूनिट क्या होगी? टी। तो हमारे जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? L2/T। तो आंसर हमारा इसके हिसाब से कौन सा होगा? सी ऑप्शन टिक कर सकते हो आप। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है ये देखो, ये कह रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसमें बेसिकली पूछ क्या लिया, फ्लूइड में बेसिकली दोनों चीज आती है, कौन कौन सी, लिक्विड भी आती है और अपने पास कौन सी आती है, गैस भी आती है, दोनों ही फ्लूइड का पार्ट होता है। हमको पता है कि जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड की कोहेजन कम होने से विस्कोसिटी घटती है, जबकि गैसेस में तापमान बढ़ाने से टक्करें ज्यादा होती है, जिस वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं तो भैया टेम्परेचर साथ घटती भी है और बढ़ती भी है अगर गैसेज में, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए डज नॉट चेंज, नहीं भैया टेम्परेचर पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। सी ऑलवेज डिक्रीज, नहीं केवल किसके लिए होता, लिक्विड के लिए सही था, ऑलवेज इंक्रीज केवल गैस के लिए सही है। परंतु हमारा ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, हम ऑप्शन करेंगे डी, ऑप्शन डी टिक करेंगे कि भैया घटती भी है और बढ़ती भी है, डिपेंड करेगा फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंचे तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है शियर स्ट्रेस इन न्यूटोनियन फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए हमको ये पता है न्यूटोनियन फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? 2 लेयरों के मध्य जो उत्पन्न होने वाला शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा अपॉन में डी टी, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन। एक चीज हमको ये पता है, फ्लूइड में हम क्या लगा सकते हैं? शियर स्ट्रेस लगाते हैं, उसके कारण उत्पन्न क्या होती है? शियर स्ट्रेन उत्पन्न होती है। परंतु अगर स्ट्रेस की बात करें तो वो केवल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेन की रेट के प्रोपोर्शनल है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमारे के पास क्या कहेंगे कि जो शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के नहीं, स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या है कि हम भावनाओं में बहके जल्दी से टिक कर देंगे कि भैया ऑप्शन कौन सा? बी स्ट्रेन, स्ट्रेस किसके? स्ट्रेन के। परंतु गलत होगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चले, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 चले तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वांटिनम अप्रोच ऑफ अ फ्लूइड मैकेनिक्स इज वैलिड व्हेन। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आप इसको वीडियो पॉज, अपने आप ही मतलब रोक के। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देख लिया होगा अभी वीडियो में पॉज करके। ये कह रहा है क्वांटिनम अप्रोच, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं क्वांटिनम अप्रोच वो हम ऐसे पढ़ते हैं कि आयलर अप्रोच होती है भैया, आयलर अप्रोच होती है और आयलर अप्रोच होती है। परंतु यहाँ पर क्वांटिनम अप्रोच केवल अभी तक आपने पढ़ी होगी वो केवल लिक्विड के लिए पढ़ी होगी कि भैया क्वांटिनम फ्लूइड एज अ क्वांटिनम सिस्टम का मतलब होता है कि फ्लूइड को कभी भी कणों के रूप में नहीं बोला जाता, पार्टिकल नहीं होता, पूरा का पूरा एक कंट्रोल वॉल्यूम में से फ्लूइड पास हो रहा होता है, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल वॉल्यूम माना जाता है फ्लूइड को, इसी को बोलते हैं क्वांटिनम अप्रोच इन केस ऑफ लिक्विड, ऐसा आयलर कह के मरे। ठीक है, परंतु गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस में आप कैसे कंट्रोल मानोगे? गैस का तो हर पार्टिकल कोई यहां भागता है। ठीक है, तो गैसेस में अगर क्वांटिनम अप्रोच को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करोगे आप?
देखिए कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब पार्टिकल नहीं है, पूरा एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो गैसेस में क्या होता है, एक पार्टिकल चलता है और कितना अपना एक मीन फ्री पाथ, एक वर्ड यूज हो रहा है ऑप्शनों में, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, जब एक पार्टिकल चलता है दूसरे पार्टिकल से टक्कर से पहले जो दूरी तय करता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। अगर सारे पार्टिकल को एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम में मानना है तो आपको क्या करना होगा, ये मीन फ्री पाथ को बहुत छोटा करना होगा, इतना छोटा कि भैया ना के बराबर चला उससे पहले टक्कर हो गई। इसी तरीके से दूसरा तो ये सुकोड़ना पड़ेगा जिससे ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम में कन्वर्ट हो सके। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सुनो, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ हाई, वो कॉन्टिन्यूम अप्रोच है, गैसेस का क्वेश्चन है एक्चुअली। लिक्विड में तो डायरेक्ट ही देता कि कंट्रोल वॉल्यूम मतलब कंट्रोल वॉल्यूम कॉन्टिन्यूम अप्रोच, गैसेस में तो ऑप्शन सी को पढ़ो आप डायरेक्टली। सी में कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। जो भी सिस्टम है उसकी करेक्टरिस्टिक डायमेंशन की तुलना में अगर मीन फ्री पाथ बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी की पूरी गैस एक ही मास की तरह व्यवहार कर रही है। इसी को कहते हैं क्वांटिनम अप्रोच। ऑप्शन ए सही हो तो जाता, परंतु कब, द कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, नहीं, कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई का मतलब पार्टिकल दूर दूर है, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी वेरी लो होते तो पार्टिकल इतने इतने पास होते कि उनको एक कंटिन्यूअस मास माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही होता, पर कब, जब कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लो लिखता, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही कर सकते थे, द विस्कोसिटी इज वेरी लो की जगह विस्कोसिटी वेरी हाई होता तो, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होता है, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, थोड़ी देर दिखा रहे, क्वेश्चन नंबर पांच, चार तक हो चुके हैं अपने। क्वेश्चन नंबर पांच को अगर देखें तो ये क्या कह रहा है, बल्क मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखिए इनकम्प्रेसिबल को मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है भैया ऐसा जो सुकड़े ना जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे या दबाया ना जा सके, यानी कि जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो, जिसको दबाया ही ना जा सके, संपीड़नता शून्य हो, उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमको एक चीज और पता है, बल्क मॉडुलस जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर ये चीज जीरो कर दी तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता था, अगर केवल ये ऐसे कह देता आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस, तो आइडियल फ्लूइड वे होते हैं जिनमें विस्कोसिटी जीरो होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी जीरो होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो आइडियल फ्लूइड के लिए भी बल्क मॉडुलस का मान अनंत ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगर हम छह की बात करें तो क्वेश्चन नंबर छह में कह रहा है तीन फ्लूइड दे रखे हैं, तीन फ्लूइड दे रखे हैं, एक दो तीन, और इनमें तीन में क्या दे रखा है, K1, K2, K3, इन तीनों के बल्क मॉडुलस दे रखे हैं। अगर बल्क मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला देखें तो बल्क मॉडुलस क्या होता है जी, सबको पता है क्या होता है, यदि हमारे पास किसी भी फ्लूइड मास पर प्रेशर बढ़ाया जाए तो वो दब जाता है, उसके आयतन में कमी आ जाती है, इसको ही हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये है dy और ये है dx, तो स्लोप है ये किसका, dy मतलब डेल्टा p वर्सेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर्व का। तो अगर तीन लिक्विड ऐसे बना रखे K1, K2, K3, कह रहा है कि K1 बढ़ा है K2 से, K3 बढ़ा है K3 से, कह रहा है K1, K2, K3, क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है K1 बढ़ा है K2 से और बढ़ा है किससे, K3 से, तो आंसर क्या होगा, कह रहा है तो लिक्विड की हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी, देख लो सेम प्रेशर बढ़ाने पर, एक ही प्रेशर बढ़ाया, देख लो किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, कौन ज्यादा दबा है, पहले वाला कम दबा है, दूसरे वाले में स्ट्रेन ज्यादा है, तीसरा, मतलब हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी, K3 की। ले देखिए सिंपल सी बात है, जिसका बल्क मॉडुलस कम होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर छह के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात क्या है, पढ़ लो, आपने पॉज करके पढ़ लेना क्वेश्चन को। ये कह रहा है दो ओरिजोनटल प्लेट है, दो ओरिजोनटल प्लेट है, एक प्लेट फिक्स्ड है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर मूव कर रही है, मूविंग प्लेट की वेलोसिटी भी दे रहा है कितनी, 1250 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच में जो ऑयल भरा हुआ है उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, 250 mm, और जो ऑयल भरा हुआ है उसकी विस्कोसिटी भी दे रखी है, उसकी विस्कोसिटी म्यू बराबर कितनी दे रखी है, म्यू दिया हुआ है हमको 20 poyers, ठीक है। तो इन्होंने तभी mm में ये है, तो हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन MKS में दे रखे हैं, ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हमको पता है लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, म्यू du अपॉन dy, और अगर इसको लीनियराइजेशन में देखें तो शियर स्ट्रेस बराबर होता है म्यू इंटू में वेलोसिटी इंटू में y, ठीक है। यानी कि अगर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है तो विस्कोसिटी वेलोसिटी और y का गुणा करना पड़ेगा,
अब वेलोसिटी तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 250 को क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। इसी तरीके से अगर पोयस को आप बदलना चाहो तो पोयस हमको पता है 10 पोयस में कितने है? हमको ऐसे पता है कि 10 पोयस बराबर में क्या हुए 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 20 पोयस में कितने न्यूटन सेकंड होंगे 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस बराबर में क्या होगा, विस्कोसिटी कितनी है 2, यू का मान दिया हुआ है डायरेक्टली 1250 और भैया हमारे पास क्या और दे दिया है हाँ और डिस्टेंस और दे रखी कितनी 0.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आया होगा, जो भी है आंसर की में शायद 10 आ रहा है या जो भी आ रहा है आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास, या फिर करीब लेते हैं अपन थोड़ा सा आगे आगे करें तो इसको ये कितना आएगा, अगर ये हमारे पास यहाँ से करें 2 पोयस हो गया, 2 न्यूटन आ गया, पॉइंट ये आ गया, बाकी ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर अगर 8 पर जाऊं मैं तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द फ्लूइड व्हिच हैज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कांस्टेंट है, किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बदल रही, उसको एक प्लेनेट से हटाकर, यानी कि एक प्लेनेट से हटाकर दूसरे प्लेनेट में ले रखा है जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर हमारे यहाँ जी है तो वहां 3G है, यानी वहां 3G नेटवर्क आ रहा है, 3G है, तो कह रहा है 3 times है तो इट्स वैल्यू एट अर्थ विल हैपन, अर्थ की तुलना में 3G इसको जी है तो भैया कह रहा है कि अर्थ की तुलना में उस प्लेनेट पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी होगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू बाई रो। देखिए भैया डेंसिटी को जी से कोई मतलब ही नहीं होता, वेट होता तो मतलब होता है, डेंसिटी को जी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कहीं जी नहीं आता ना मास में कहीं जी आता, और विस्कोसिटी भी बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको जी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब जी पर ना तो ये निर्भर करना ना ये निर्भर, तो चाहे जी 3G हो चाहे 4G हो चाहे 5G हो कितना भी जी हो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जितनी अर्थ पर थी उतनी उस प्लेनेट पर रहने वाली, इसका मतलब क्या आंसर होगा, काइनेमेटिक में ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रहेगी। ठीक है, नंबर 9 आपने पढ़ लिया होगा वीडियो में से, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर के नाम पे हमको आता तो है, वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है, वेपर प्रेशर वाष्प दाब को कहते हैं और हमको पता भी है क्या होता है, क्वेश्चन ही पढ़ते हैं डायरेक्टली, वेपर प्रेशर इज क्लोजली रिलेटेड टू द मॉलिकुलर एक्टिविटी एंड टेम्परेचर। आपको पता है तापमान बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा कैविटेशन की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है कि वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी से रिलेटेड है और तापमान पर निर्भर कर रहा है, बी बिल्कुल गलत है, ये कह रहा है कि तापमान पर निर्भर ही नहीं कर रहा, सी भी गलत है, ये भी कह रहा है कि तापमान पर कोई प्रभाव नहीं है तापमान का, तो बी और सी तो वैसे ही गलत है। ठीक है, ए हमको सही लग रहा है, सी और पढ़ लो, कैन नॉट बी से अबाउट मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, क्यों नहीं कह सकते भैया, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी मतलब कोहेजन, इंटर मॉलिक्यूलर कोहेजन की वजह से हम बता सकते हैं कि भैया वेपर प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा, जैसे अगर मरकरी की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर एक्टिविटी यानी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर वेरी वेरी लो है। ठीक है, वेरी वेरी लो होता है, और भैया अगर और किसी की बात करें जैसे पेट्रोल वगैरह की बात करें तो उनका वेपर प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा भी होता है, यानी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पर निर्भर करता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, कौन सा, आंसर ए सही होगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सुनो आपने वीडियो में तो देख लिया होगा, पॉज करके आप नोट कर ले। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सअप, जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि साहब हमारे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो उसकी समस्या ये है कि आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भेजें, आपको द सिविल वॉर रूम वाले रूम में एड कर होना पड़ेगा, वहां हम डेली टेस्ट होते हैं, जैसे ये टेस्ट जो आपके सामने है ये हमारा 11 तारीख को डिस्कस हो चुका है, 8 बजे बच्चों ने टेस्ट दिया है और उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया और वॉरियर में कौन फर्स्ट सेकंड भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन चल रहा है, तो यदि आपको इन क्वेश्चनों को दिखने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, जिससे मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ लूंगा, उससे आपको पता क्या लगेगा, डेली आपका कोई ना कोई, जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक का अपना टेस्ट होगा वो पहले ही उस वॉरियर रूम में डिसाइड हो चुका है कि क्या टेस्ट होगा, तो इस तरीके से आप क्रम से पढ़ते जाएं, यानी अगला चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स का लगेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन कैविटेशन हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम कैविटेशन। तो आपको कैविटेशन तो पता ही है कि कैविटेशन होता क्या है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो कैविटेशन के बारे में आपको पता ही है कि क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो होता ही होता है, ये तो आपको वैसे ही पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेक्शन पाइप में बबल्स बनते हैं जो कि वेन पर फूटते हैं। ठीक है, और रिएक्शन टर्बाइन क्या होती है, रिएक्शन टर्बाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही तो जस्ट रिवर्स होती है,
ठीक है, तो दोनों में ही कैविटेशन होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इम्पल्स टर्बाइन में कभी भी कैविटेशन नहीं होता। एक क्वेश्चन और बनता है अंदर से कि इम्पल्स टर्बाइन में कभी भी कैविटेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि इम्पल्स टर्बाइन में तो सारे के सारे जितना भी प्रेशर है वो सब एटीएम प्रेशर पर ही रहता है, यानी लो प्रेशर होता नहीं, और लो प्रेशर नहीं होगा तो कैविटेशन होगा ही नहीं, यानी कि इम्पल्स टर्बाइन में नहीं होगा, इम्पल्स टर्बाइन में कभी कैविटेशन नहीं होगा, तो आंसर सी और डी तो गलत हो गया। सेंट्रीफ्यूगल सक्शन पाइप में बबल बनती है जो यहाँ फूटती है, तो कैविटेशन होगी, ठीक है। और रिएक्शन टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब में अपने पास ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है बाहर एग्जिट पॉइंट पर कैविटेशन होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, रिएक्शन टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। नेक्स्ट 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सेकंड पार्ट होगा उसमें मिलेंगे। इसी तरीके से दो वीडियो और है वो आपको सर्वे के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल हमारा 40 क्वेश्चन का टेस्ट था जो इसमें डिस्कशन हो रहा है। इसके लिए आप पहले टेस्ट को डाउनलोड कर लें और इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे आपको ये समस्या ना होगी कि कौन सा क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू।